सुबह शिवपाल यादव, दोपहर को आदित्य यादव, शाम को एसटी हसन, रात ढलते रुचि वीरा, सुबह अतुल प्रधान, शाम होते होते सुनीता वर्मा उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टिकट का बंटवारा चूचू के मुरब्बा जैसा हो गया है। बिना शुद्ध सॉलिड मिश्रण, बिना किसी समीकरण, बिना किसी जमीनी हकीकत, जब जिसका जी आया उसके मुताबिक उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब तक अपने आधे दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार बदल चुकी है। बागपत, संभल, मिश्रिक, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, ये उन सीटों के नाम है जहां अब तक उम्मीदवार बदले जा चुके हैं, कहीं एक बार तो कहीं दो बार और कहीं तीन बार। अभी भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी पक्की उम्मीदवारी पर मुहर लगनी बाकी है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, दरवाजे पर चुनाव है और सॉल्यूशन पता नहीं। ताजा मामला देखिए, मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को सबसे पहले टिकट दिया, फिर भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर अतुल प्रधान को टिकट दिया। अब अतुल प्रधान के नामांकन करने के बाद सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है। फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि और पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मेरठ में। मान लिया हमारा सिंबल हो गया था, टिकट हो गया था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर योगेश वर्मा जी की शायद वाइफ का उन्होंने निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान लगातार जारी है। जिस तरीके से बीते कल मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल प्रधान ने नॉमिनेशन किया, लेकिन सुबह होते होते उनका टिकट कट गया। टिकट मिलने और कटने का सिलसिला जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में चल रहा है, समाजवादी पार्टी का अंदर का घमासान की तस्वीरें साफ नजर आ रही है। मेरठ से आगे गौतम बुद्ध नगर है, मतलब नोएडा। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनसे पहले पार्टी ने राहुल आवाना को टिकट दिया था, यही हाल बागपत में दिखा। बागपत लोकसभा सीट से पहले समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने की खुशी नेताजी के चेहरे पर अभी ठीक से टिकी भी नहीं थी कि 13 दिन बाद उनका पत्ता पार्टी ने साफ कर दिया। मनोज चौधरी का टिकट काटकर साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मतलब 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लेकिन इन 63 सीटों पर ही पेच ऐसा फंसा है कि पार्टी के भीतर एकजुटता की सारी बोल पट्टी सामने आ गई है। हमने आपको रामपुर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर दिखाई। अब बदायूं में समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान की डिटेल देखिए। बदायूं से सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, फिर धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। अब कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव भेजा है कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव मैदान में पार्टी उतारे। देखिए, अभी आज के समय पे समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव में लड़ाया है और शिवपाल सिंह यादव जी इस समय लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और अभी हम लोग सभी लोग हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या निर्णय रहता है पार्टी का, आज के समय में मैं इतना कह सकता हूँ, हम लोग समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव लड़ा रही है। उसके बाद जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट कटने के बाद आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। मुरादाबाद लोकसभा सीट से एसटी हसन के नामांकन करने के बाद रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया। रुचि वीरा आजम खान की बेहद करीबी हैं। रामपुर लोकसभा सीट से पहले असीम रजा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया, लेकिन पार्टी ने मौलाना एम नदवी को पैराशूट उम्मीदवार बना दिया। मुरादाबाद लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद एसटी हसन इस कदर पार्टी से नाराज हैं कि उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा का मुरादाबाद में चुनाव प्रचार करने से ही मना कर दिया। साथियों,
बहुत कम है। मैं तकरीबन 10 दिन से लखनऊ में था, मैंने बहुत बड़ी जंग लड़ी और आप लोगों की दुआओं से मुझे टिकट हासिल हुआ। मेरा ही टिकट नहीं है, आप लोगों का टिकट है। किसी का टिकट 24 घंटे में कट जाता है, तो किसी का 72 घंटे में कटता है, तो किसी का 10 दिन या फिर किसी का 13 दिन में टिकट कट जाता है। ऐसे में कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मंशा क्या है। नेता कंफ्यूज है टिकट मिलने के बाद या फिर नॉमिनेशन भरने के बाद वो चुनाव लड़ पाएगा या नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरीके से टिकट कटने और मिलने पर समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि जब घर में ही घमासान है तो दरवाजे पर क्या होगा। सवाल है समाजवादी पार्टी में ये ऊहापोह क्यों है। जवाब समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तरफ रामपुर को अपना किला मान रहे आजम खान हैं, जो पार्टी के भीतर अपनी हैसियत जताने के लिए जेल से ही सुपर एक्टिव है और रामपुर में उम्मीदवार तक बदलवा चुके हैं। दूसरी ओर शिवपाल यादव हैं, जिन्हें खुद से ज्यादा चिंता सुपुत्र आदित्य यादव का पॉलिटिकल करियर बनाने की। और तीसरी ओर राम गोपाल यादव हैं, जिनकी पार्टी के अंदरूनी हिस्से में बड़ी पूछ है। और इन सबके ऊपर चौथा खंबा संभाले अखिलेश यादव हैं, जिन्हें सब कुछ देखना है, चाचा को भी, चचेरे भाइयों को भी, भतीजे को भी और आजम खान को भी। अखिलेश यादव किसी की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते, लिहाजा सुबह टिकट दे भी देते हैं तो शाम को उसे बदल देने में गुरेज नहीं करते। पार्टी की क्रेडिबिलिटी संकट में पड़े तो पड़े, चाचा और भाई ना रुके। समाजवादी पार्टी में टिकट दो टिकट बदल दो की खबरों पर राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया। विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। समाजवादी पार्टी के भीतर उम्मीदवारी की तकरार पर बीजेपी ने तंज किया है। बीजेपी 80 में 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है और विपक्षी खेमे का जो हाल है उसे अपनी जीत की गारंटी मानकर चल रही है। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं में किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे उन्हें पार्टी टिकट दे या ना दे। आजम खान चाहते हैं कि जेल के अंदर से ही समाजवादी पार्टी में उनकी बात सुनी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार इस तरीके से इस बार चुनावी मैदान में उतरे कि जनता के बीच क्लियर मैसेज जाए कि बीजेपी से सीधे मुकाबला करने में सक्षम है समाजवादी पार्टी। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो यही झलकता है कि समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजबूत मैजिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचंड प्रचार और इन सबके बीच सपा का घमासान, मैसेज लाउड एंड क्लियर।